लिस्ट बॉक्स में डेटा हमने लास्ट क्लासेस में हमने आपके साथ डिस्कस किया था कि किस तरीके से हम यूजर फॉर्म में मल्टी कॉलन लेके आते हैं, राइट। मल्टी मल्टी सिलेक्ट एंड मल्टी कॉलन के बारे में डिस्कस किया था आपके साथ कि अगर हमने एक या एक से ज्यादा हम सिलेक्ट करते हैं तो कैसे करेंगे। फिर आपको मैंने बताया था कि एक दो लिस्ट बॉक्स में, एक लिस्ट बॉक्स से दूसरे लिस्ट बॉक्स में कैसे वैल्यू डालेंगे, ये भी हमने डिस्कशन किया था। अब मैं डिस्कशन करने जा रहा हूं कि लिस्ट बॉक्स के अंदर में हमारे पास कुछ डेटा है, उस डेटा को कुछ कंडीशन से हम उसमें लाना चाहते हैं। चलिए आपके साथ हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं, मैं इसी डेटा को कॉपी कर देता हूँ, ठीक। और दिवाली की तैयारी चल रही है आप लोगों की? अरे तो मेरे पास इस सीट में डेटा है और इसी डेटा को हम लिस्ट बॉक्स, यूजर फॉर्म के लिस्ट बॉक्स में शो करना चाहते हैं, बट मैं चाहता हूं कि मैं जो सिटी डालूं मुझे उसी सिटी का डेटा शो करे, ठीक है। ध्यान से देखिएगा क्योंकि इसके बाद इसके साथ आपको एक प्रोजेक्ट भी देने वाला हूं मैं। तो यूजर फॉर्म में गया, मैंने यूजर फॉर्म को थोड़ा सा बड़ा किया, उसके बाद हमने यहाँ से लिस्ट बॉक्स लिया और लिस्ट बॉक्स को हमने यहाँ पे ड्रैग किया। हाँ अपन गलिया के आगे कर लेते तो हम तलकबा के आगे बढ़वा लेते हैं। अब ठीक है, सुनो बात बस सर, 5 मिनट में। उसके बाद यहाँ से हम टेक्स्ट बॉक्स में, मैं टेक्स्ट बॉक्स लिया और यहाँ हमने लिख दिया एंटर सिटी, ठीक है। अब दो चीजें, एक तो मैं शो बटन शो करने पे मैं डेटा को शो करना चाहता हूँ, तो हो गया। यहां से मैं बटन लेता हूँ और बटन यहाँ पे ड्रैग किया, तो पहले चाहता हूँ दो तरीका से सर बताइए। ये रेडियो बटन और चेक बॉक्स पर आए कि नहीं आपने? हाँ पढ़ा चुका हूँ, अच्छा, मेरा मिस कर गया, पता ही नहीं चल रहा और वीडियो भी नहीं मिल रहा। वीडियो अपलोडेड है सर, अपडेटेड है वीडियो सर, कोई डेटा मिसिंग नहीं है। गूगल ड्राइव में उसको भेज सकते हैं क्या? मेरा रिस्ट्रिक्टेड है, खुलता ही नहीं है वो मेगा। खुलता ही नहीं, मतलब ऑफिस में नहीं खुलता है या फिर घर पे नहीं खुलता है? कहीं नहीं खुलता है वो, रिस्ट्रिक्टेड किया हुआ है। अब गूगल ड्राइव में कैसे, क्योंकि गूगल ड्राइव में स्पेस कम थी ना, बार बार डिलीट करना पड़ा था। मेगा ने मुझे 50 GB दे दिया, तो क्या मेगा सर YouTube YouTube लिंक भी दे देंगे तो मेरा काम हो जाएगा सर? जी गूगल वाले, गूगल ड्राइव में मैंने आपको शेयर तो किया है, उसमें है सभी। हाँ अच्छा, उसमें आ गया, आपने बोला था वीडियो अपलोड नहीं है इसीलिए थोड़ा दिक्कत हो रहा था। नहीं, सभी वीडियोस अपलोड है, कोई लास्ट एक वीडियो अपलोड नहीं होगी, बाकी सभी अपलोड है। ओके okay, ठीक है, बल्कि तब मैं मैंने वहां से तो उनकी वो नेम भी चेंज किए हुए हैं कि उसमें क्या क्या टॉपिक पूरा हमारे साथ। वीडियो तो डाउनलोड कर लिया था एक, अभी आपने लास्ट मैसेज किया था कि कुछ वीडियो अपलोड नहीं है इसलिए मैंने सोचा कि नहीं, नहीं एक होगा। लास्ट वीडियो नहीं अपलोड, बाकी सभी अपलोड है। अब जैसे कि चलिए यहाँ ठीक है, मैं वहां यहाँ से पे देखो। मैं, यहाँ पे जैसे मैं शो पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे डेटा आना चाहिए। तो सबसे पहले तो मुझे कॉलम काउंट सेट करना पड़ेगा, क्योंकि कॉलम काउंट जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इसकी कॉलम की काउंट जो है 11 है, तो 11 कॉलम काउंट, क्योंकि मल्टी कॉलम है तो मुझे इसकी 10 नहीं, 11 नहीं, 10 ही है ना कॉलम, ब्लैंक तो नहीं है। हाँ इसमें एक सीरियल नंबर होना चाहिए, माफ कीजिएगा, एक सीरियल नंबर भी दे देता हूँ मैं।
ध्यान से देखिएगा, उसमें कुछ चेंजिंग है जो कि आपको करने पड़ेंगे, कुछ मैं कर रहा हूँ, कुछ आप कर रहे हैं। तो 11 कॉलन है, तो लिस्ट बॉक्स में हमने यहाँ पे कॉलम काउंट में एक के जगह पे 11 कर दिया, ताकि 11 कॉलन आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया, अब मुझे डेटा शो करवाना, चलिए इसकी कोडिंग करते हैं। तो मुझे क्या है कि कंडीशन से डेटा शो करवाना है कि जो चेक जो मैं हमने इसमें डाला हुआ है, इसमें जो नाम लिखेंगे टेक्स्ट बॉक्स में वही आना चाहिए, जो सिटी लिखेंगे वही आना चाहिए। तो मुझे इसके लिए एक एरे डेटा टाइप लेना पड़ेगा कि डिम आर, या फिर मान लो डीटी कर देते हैं, डीटी यहाँ लिख दिया कि भाई उसका रो हो 1 to 100,000। अब यहाँ पे जरूरी नहीं है, ऑटोमेशन नहीं कर सकते डेटा के अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे अपने हिसाब से डिसाइड कर लीजिए कि आपका डेटा कितना तक जा सकता है, मैक्सिमम उतना डाल दीजिए आप। एंड यहाँ पे कॉलम की 1 to 11, ठीक है, और फिर लूप लगेगा कि 4i=, चले यहाँ पे सॉरी i=, चले 1 to 1000, और यहाँ पे कंडीशन हो कि इफ, यहाँ पे कंडीशन आएगा, यहाँ पे लिखेंगे आर इक्वल, यहाँ पे आर लिखेंगे r=r+1, ये जरूरी है, नहीं ये नहीं, यहाँ पे नहीं लिखेंगे, इसके लिखेंगे इफ में, पहले इफ बनाऊंगा, इफ सेल्स i, अब इसमें हमें कंडीशन किससे मैच करना है, सिटी से, मतलब 10वें नंबर से, 10 डॉट वैल्यू इज इक्वल टू मी डॉट सेल्स, मी डॉट टेक्स, मी टेक्स बॉक्स है ना, टेक्स बॉक्स 1 डॉट वैल्यू, देन अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि केस सेंसिटिव होने के चांसेस हैं, आप छोटा लिख दो, ऑफिस में बड़ा हो, तो उसके लिए क्या करेंगे हम, यू केस के अंदर इसको लगा रख देते हैं, ताकि छोटे बड़े का फर्क नहीं रहेगा। ठीक है, सर प्रॉपर का क्या होता है इसमें? प्रॉपर के लिए अलग फॉर्मूला है, वो देखना पड़ेगा सर। एक होता है, आप आपको जो फॉर्मूला लिस्ट भेजा था ना, उसमें उसमें नहीं था सर, आपने बोला भी था चेक करने के लिए, उसमें है स्ट्रिंग फॉर्मूला में आपने बोला था चेक करने के लिए, उसमें नहीं था। अरे सर मैं बोल रहा हूँ है तो होगा, विश्वास कीजिए हम पे, आप यह सबूत देखिए, केल केस और यू केस सबूत देखिए। चलिए आपने हमें ब्लेम किया कि मैं गलत बताया, अभी आपको हम गलत नहीं बोल रहा सर, मैंने उसमें देखा था, आपने जस्ट नाम पढ़ा है, आपने उसको खोल के नहीं देखा है कि ना, तो डेफिनेशन नहीं देखा। नहीं सर, स्ट्रिंग का पूरा फॉर्मूला चेक किया था। तो देखिए हम भी आपके साथ फॉर्मूला चेक कर रहे हैं, चलिए दिख रहा है आपको, यहाँ पे दिख रहा है strconv क्या लिखा हुआ, रिटर्न द स्ट्रिंग कन्वर्टेड टू अपर केस लोअर केस प्रॉपर केस एंड एनी गॉड। आप भी प्रेमकांत पांडे जी ना, चलिए टॉपिक भटका देते हैं, आप भी कोडिंग याद होगी वही भूल जाऊंगा मैं कि क्या कोडिंग पढ़ाना है। हाँ
एक सेकंड दीजिएगा मुझे, एक सेकंड, अभी एक सेकंड। चलिए ये हो गया, अब यहां पे हम देते हैं फोर जे इक्वल टू चलेगा 1 to 11 क्योंकि कॉलम के लिए चल रहा है, ठीक है। ए आर प्लस वन जो दिख रहा है आपको, ये हर बार रो इंक्रीज करने के लिए यहाँ पे, और यहाँ पे करना है कि डी टी, यहाँ पे एक मिनट, हाँ, सी इक्वल टू सी प्लस वन, और यहाँ पे डी टी यहाँ हो जाएगा आर कॉमा सी, और इक्वल टू हम करेंगे सेल्स आई कॉमा जे डॉट वैल्यू। यहाँ पे फिर इसके बाद जो है मुझे सी इक्वल टू जीरो कर देना, क्योंकि कॉलम 11 ही है ना इसलिए, और यहाँ पे एंड इफ, और यहाँ पे नेक्स्ट आई। तो ये क्या करेगा कि जितने भी इसको कंडीशंस मैच करेंगे वो सारा का सारा डेटा को डीटी पे स्टोर कर देगा। किस पे करेगा स्टोर? डीटी पे। और फिर यहां लिखेंगे मी डॉट लिस्ट बॉक्स वन डॉट लिस्ट इक्वल टू डीटी, ठीक है। देखिए यहां पे मैंने दे दिया जीजीएन एंड शो, और एक मिनट आउटपुट, एक मिनट कुछ गड़बड़ है यहाँ पे, तुम्हारा सही तो है। ये बोला है ऑब्जेक्ट रिक्वायर, ये यहां पे यूज कर रहा है भाई, ठीक है। सेल्स सिटी कोड, हाँ ठीक है, समझ गए सर। जिस जन पे शो पे क्लिक किया तो मेरे पास आप देख रहे हैं कि इस तरह का डेटा आ गया, राइट। डाउट इसमें एक बार कोड को देखिए सर, कोड को देखिए और फिर बताइए क्या डाउट है आपको। सर जरा इसको एक्सप्लेन कर दीजिए, आप पहले खुद से समझिए ना, फिर हम एक्सप्लेन करते हैं आपको।
वैल्यू इंक्रीज करने के लिए है, और सी जो है वो कॉलम की वैल्यू। पहले क्या बता दूं आपको, मैं पहले डायरेक्ट जो है इस तरह से हम नहीं लिस्ट बॉक्स पे अप्लाई कर सकते। लिस्ट बॉक्स में हम एक एक करके अप्लाई कर सकते हैं, लिस्ट बॉक्स में ऐसा नहीं है कि हम रो एंड कॉलम से अप्लाई करें। तो हमने क्या किया, हमने एक ए बना लिया, 11 कॉलमों का, 11 कॉलम एंड 1000 रो का हमने एक एरे एरे बना लिया, एरे डेटा टाइप बना लिया, एरे जो कि 1000 रो एंड 11 कॉलम का एक टेबल सीट होता है बैकएंड में। फिर मैंने क्या किया, 1 से 1000 तक का लूप चलाया, और यहाँ पे हमने मतलब कि इसमें कॉलम का लूप तभी चलाया जब हमारा कंडीशन मैच किया, मतलब कि एक एक करके चेक करेगा यहाँ पे कि अगर इसका सिटी अगर दिल्ली है तो फिर इस कॉलम का ये इस रो का, रो का 11 कॉलम का डेटा एक एक करके डीटी पे ऐड कर देगा, ठीक है, वन बाय वन। अगर नहीं है तो फिर आगे बढ़ जाएगा। तो इसके लिए हमने यहाँ पे कंडीशन डाला कि अगर सिटी कोड की वैल्यू अगर टेक्स बॉक्स में डली की वैल्यू के बराबर है तो। अब यहाँ पे आर प्लस वन करने का पर्पस क्या था, आर प्लस वन करने का पर्पस ये था क्योंकि अगर हम आई के अकॉर्डिंग डेटा ऐड करवाएंगे तो क्या होगा पता है आपको, अगर एक कोड ए अगर हम ना दें, ये हम ना दें यहाँ पे और आर और सी की जगह पे सिर्फ आई और जे कर दें तो क्या होगा, जो जो मैच नहीं करेगा वहां वहां ब्लैंक छोड़ देगा। तो यहाँ ब्लैंक ना छोड़े, कंटिन्यूअस हो, इसलिए हमने हर बार रो को बताया कि भैया जो ऐड करने वाला रो क्या है वो बताओ, क्योंकि डीटी के अलग रो है ना। और जब सारी वैल्यू को वन बाई वन ऐड कर दे, अब यहाँ पे सी इक्वल टू 0 क्यों किया, अगर सी इक्वल टू 0 ना करूं तो यहाँ पे फर्स्ट बार चलेगा तो 11 होगा, सेकेंड नंबर वो 12 हो जाएगा, 12वां कॉलम उठाएगा, इसलिए मैंने इसको क्लीन किया, 0 किया, तो नेक्स्ट टाइम जब भी ये उठाएगा तो 1 मतलब कि पहला कॉलम उठाएगा क्योंकि पहले तो उसको 0 रहेगा, समझे। सर इसमें तो डायनेमिक भी कर सकते हैं ना, जहाँ वहां पे आपने 1 to 11 दिया है, हाँ 1 to row.count दे सकते, कॉलम डॉट काउंट दे सकते हैं। नहीं, एरे के अंदर में आप नहीं दे सकते हो, एरे के अंदर में जब एरे डिफाइन करोगे तो उसमें आप वेरिएबल ऑटोमेटिक नहीं कर सकते उसको। तो यहाँ एरे डिफाइन करना जरूरी है, अगर मान लिया कि हमने आपने जैसे वहां पे रो डॉट काउंट दे दूं या कॉलम डॉट काउंट दे दूं तब काम नहीं बात तो करेगा। सही है, लेकिन यहाँ लिस्ट बॉक्स जो है एरे फॉर्म में ही लेगा ना आपको, सर लिस्ट बॉक्स पे डेटा कैसे डालेंगे। अच्छा, वो किसी वेरिएबल पे स्टोर करके ही लाएंगे उसको। हाँ, एरे एरे फॉर्म में लेगा, या फिर एक्सेल की फाइल दीजिए या फिर एरे फॉर्म में दीजिए, समझे। हाँ सर, सबको समझ में पर आया, सी इक्वल टू 0 का जरा देखा जाएगा, सी इक्वल टू 0। सी इक्वल टू 0 ये किया यार, एक कॉलन है ना, ये हमने 4j जो लगाया हुआ है, ये लगाया हुआ है कि भाई जब मैच करे तो एक एक करके जितने भी हमारे कॉलम्स का डेटा है उस डेटा को एक एक करके स्टोर करे, समझे। तो कहने का मतलब है कि अगर हम सी इक्वल टू 0 ना करें तो क्या होगा कि फर्स्ट टाइम रन करेगा यहाँ पे तो सी 1+1, ए सी प्लस 1 0+1, सेकेंड टाइम 1+1 2 3 4 5 ऐसे 11 तक जाएगा, फिर वापस जब आएगा तो 11+1 12 हो जाएगा, मतलब कि फिर वो 12वें कॉलम का इसका डेटा उठाने लगेगा, जबकि हमें नेक्स्ट बार में नेक्स्ट रो के लिए इसका उठाना है ना, 1 से फिर वापस, तो गिनती फिर वापस 1 से स्टार्ट हो, इसलिए हमने यहाँ पे 0 कर दिया। ठीक है, ये हो गया हमारा। दूसरा कि जब मैं इसको प्ले करता हूं, मैं एक बार इसको प्ले करके दिखाता हूँ, प्ले करता हूँ तो यहाँ पे जैसे कि सिटी कोड यहाँ पे है, मान लीजिए यहाँ पे मैं दे देता हूँ दिल्ली, एक बार दिल्ली भी दे देता हूँ और शो करता हूँ, तो यहाँ ऊपर हेडिंग नहीं है, अच्छा तो ये हेडिंग भी है बट इस कोड जो कोड हमने दिया हुआ है उस कोड से हेडिंग नहीं आ सकता, क्यों, क्योंकि एक कोड जो चल रहा है वो चल रहा है कंडीशंस पे, तो हमें वापस कंडीशन चेंज करने पड़ेंगे। उससे अच्छा है कि नीचे मैं करता हूं कि 4
जे कर देता हूँ, जे इक्वल टू 1 2 चले 11, ये भी तो दिया हुआ है सर ऑलरेडी। बता रहा हूँ देखिए तो सही। डी टी इक्वल टू, हमने डी टी इक्वल टू नहीं, डी टी में यहाँ कि पहला रो एन जे कॉलम इक्वल टू सेल्फ सेल्स सेल्स, यहाँ पे पहला रो एन जे कॉलम डॉट वैल्यू डॉट वी सॉरी वी ए एन यू वैल्यू, ठीक है, क्लियर सर। और यहाँ पे हम नेक्स्ट कर देते हैं। ये क्या करेगा, पहले हेडिंग को डीटी पे स्टोर कर देगा, ठीक है, और यहाँ हम आर इक्वल टू 1 कर देते हैं, मतलब कि वो 2 रो से स्टार्ट करेगा, 1 रो रिजर्व कर दिया हेडिंग के लिए। हम प्ले करेंगे इसको, तो यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे दे दी मान लीजिए कानपुर कानपुर, और जैसे हम शो करेंगे यहाँ पे कानपुर आ रहा है, तो ये और से 1 मिनट, कानपुर आई थिंक नहीं है, कानपुर नहीं है, रायपुर है, आर ए आई रायपुर, ठीक है। तो हमारा ओवर टाइम भी, अरे हमारा ये भी आ गया, क्या आ गया दिख गया सर, ये आपको समझ में आया। तो हमने ऊपर एक और लूप लगा लिया जे का, किसके लिए, हेडिंग के लिए, और आर इक्वल टू 1 कर दिया, ताकि 1 हमारा की हेडिंग के लिए, पहली रो तो हेडिंग के लिए रिजर्व है ना, तो ये जो डीटी पे ऐड करेगा वो दूसरी से ऐड करेगा, ठीक है। एक बार समझिए इसको फिर से दोबारा आप लोग, फिर मैं आपको समझाता हूँ। कर दे लो पीछे, कहाँ करेगा, आगे तो वहां उधर ले जाओ, आगे पर ना कहीं बढ़िया बढ़ा लें तो फिर तू अपन अपन ले जाएगा, बोल खाली हम गाड़ी आगे अपना बढ़ा लें, बस अब कुछ नहीं, ये गाड़ी तो बुला ना, वो बैठे ना, बैठे ना कहूँ, हाँ उठा अंदर, बस ये वो क्लास हो गया। इसमें ये समझ में नहीं आ रहा है कि सभी कॉलम का डेटा आ कैसे रहा है। हेलो हेलो, हेलो।
आया समझ में सर, आगे बढ़े। हेलो सर, समझ में नहीं आ रहा सर, ये सभी कॉलम का डेटा कैसे ले रहा है? क्या सभी कॉलम का डेटा कैसे ले रहा है, मतलब तो 11 कॉलम है, अलग अलग कॉलम का डेटा ले कैसे रहा है, ये समझ में नहीं आ रहा है। बोलता रहा, अलग कॉलम का डेटा, अलग अलग हमने लूप लगा रखा है ना, हमने दो लूप लगाया ना, एक फोर लूप लगाया रो के लिए और एक जे लूप लगाया कॉलम के लिए। और यहाँ देखिए आर और सी, मतलब कि ये रो के लिए है, कॉलम नंबर है, उस हिसाब से डेटा जा रहा है। डबल लूप लगा रखे है ना इसमें, यही जे वाला से समझ में नहीं आ रहा। तो जे सिंपल से यार, यहाँ पे क्या है, अब देखो बताता हूँ, सुनो, अब इसके लिए अलग बताना पड़ेगा, प्रैक्टिस करोगे तभी तो समझ में आएगा आप लोगों को, प्रैक्टिस तो करते नहीं है, क्लास लेके भूल जाते हो, तो क्लास लेना है बस। देखो अब जैसे कि यहाँ पे एरे को समझो, एरे पहले समझो क्या है, ठीक है, कि अगर आपने यहाँ किया डिम R एज ए कर देते हैं, मान लीजिए स्ट्रिंग, तो इसमें क्या हुआ कि मैं सिर्फ R इक्वल टू कुछ भी इसे मैंने लिया राम लिख लिख सकता हूं, एक ही लिख सकता हूं, एक से ज्यादा नहीं लिख सकता। अगर राम इक्वल टू मैंने कविता कर दिया, ध्यान से देखो, कविता कर दिया तो क्या करेगा, वो राम को रिप्लेस कर देगा कविता का। लेकिन मैं चाहता हूं नहीं, राम भी स्टोर हो कविता भी स्टोर हो एक ही वेरिएबल, तो उस केस में हम लोग एरे इस्तेमाल करते हैं। तो हम क्या करते हैं, लिख देते हैं कि 1 2 2, ठीक है, और यहां पे लिखते हैं कि 1, देख रहे हैं आपको ना, 1 इज राम एंड 2 इज कविता, ठीक है, इसको बोलते हैं सिंगल डायमेंशन एरे, मतलब सिर्फ इसमें एक कॉलम, ठीक है, ये सिंगल डायमेंशन एरे हुआ कि इसमें सिर्फ एक कॉलन है एंड दो रो है। अगर मैं यहां 3 कर दूं तो 3 रो हो जाएगा। अब बात करते हैं मल्टीपल डायमेंशन एरे की, मतलब कि मैं चाहता हूं कि भाई रो एंड कॉलम दोनों, तो मैंने इसी में कॉमा कर दिया कि इक्वल 1 2 2, तो यहां पे देना पड़ेगा कि 1 row and 1 column इज राम एंड 1 row and 2 column इज कविता। और फिर तीसरे में देना पड़ेगा ऐसे ही कि 2 row and 1 column इज, मैं यहां पे इक्वल टू मनी, ठीक है, एंड आर 2, 2 इक्वल टू उदय, समझे? तो ये क्या बनेगा, अब यहाँ पे 2 row 2 column हो गया। हाँ, इसमें जो है 2 row and 2 column हो गया, समझ गए? इस सारा डेटा किस पे स्टोर हुआ, आर। इसी तरीके इसमें लिस्ट बॉक्स आर करेंगे तो आर ले लेगा वो। इसी तरीके से हमने क्या किया यूजर फॉर्म के ऊपर में, यहाँ देखिए कि हमने 1 से 1000 row और 1 से 11 column बना दिया, राइट, और हमने हमारा हेडिंग फिक्स है, हेडिंग पे कोई कंडीशन नहीं देना है। तो मैं पहले ही बोला कि भैया 4 1 से लेके 11 तक चलो, ठीक है, क्यों कि रो हमारा पहला ही है। यहाँ पे बोल दिया कि dt पहला रो और j कॉलम, मतलब कि पहली बार में पहली कॉलम, दूसरी बार में दूसरी कॉलम, तीसरी बार तीसरी कॉलम, ऐसे लेके 11 कॉलम को ये dt पे स्टोर कर देगा, राइट। फिर मैंने r की वैल्यू 1 कर दी, क्यों, क्योंकि तो एक रो हम यहाँ पे ऐड कर चुके हेडिंग उसका, समझ गए। फिर मैंने बोला कि 1 से लेके 1000 तक चलना है, और फिर मैंने बोला कि कंडीशन चेक करो कि जिस रो का, क्योंकि ए रो वाइज है तो इस तरह से ए चलेगा, 4 जो चलेगा इस तरह से चलेगा। तो मैंने बोला कि भाई हमें 4 जो चलाना, 4i जो चलाना है रो वाइज चलाना है, लेकिन 4j जो कॉलम वाइज चलाना है उसी रो पे चलाना है जिसकी वैल्यू हमारे टेक्स्ट बुक्स में डाले गए वैल्यू के इक्वल हो,
समझ गए? अच्छा, ये कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि एक रो वाइज चल रहा है, कॉलम वाइज चल रहा है, क्योंकि आपने एक ही वेरिएबल पे दोनों चीज डाल रखा है। कहां पे दो चीज डाल रखा है वेरिएबल पे? जैसे डीटी पे ही आपने 1 to 1000 कॉलम रो इंस्टॉल कर दिया, और 1 to 11 डीटी तो स्टोरेज पॉइंट हुआ ना, ये तो जगह हुआ बोल रहा हूं। और टाइप तो हम यहाँ करवा रहे हैं ना, टाइप तो हमारी मर्जी है, जहाँ जैसे करवाए। ये तो डीटी तो स्टोरेज है ना, रो एंड कॉलम, पूरा 11 रो एंड पूरा 1000 करो का, 1000 रो तक इसकी कैपेसिटी है कि 1000 रो तक डेटा डलेगा, ठीक है? नहीं, वो मैं नहीं बोला सर, जैसे आपने ये 1 to 1000 किया तो वो रो वाइज चल रहा है, लेकिन 1 to 11 किया वो कॉलम वाइज चल रहा है, तो ये कैसे पता चलेगा कि उसको कॉलम वाइज चलना है और उसको रो वाइज चलना है, ये जानना चाह रहा हूँ। वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। इसे की हमने क्या किया कि कंडीशन लगाया कि मैच करेगा तो आर की वैल्यू को चेंज करो, मतलब कि उसको 2 कर दो, ठीक है, एक ऐड कर दो, आर प्लस 1 कर दो। उसके बाद मैंने बोला कि 4 in 11, और मैंने बोला कि जितना बार 4 जे चलेगा उतना बार सी इंक्रीज होगा। आर जो है एक ही बार इंक्रीज होगा, तो आर एक बार इंक्रीज होगा तो सी 11 बार इंक्रीज होगा। यहाँ पे हमने डिफाइन कर रखा है कि आर जो है वो रो है और सी हमारा कॉलन है, समझ रहे हैं बात को? अब समझ में आया, यहाँ डिफाइन हो रहा है कि कैसे जाएगा रो एंड कॉलन। जब जब 4 एक बार चलेगा तो 4i एक बार चलेगा तो 4j 11 बार चलेगा, और हमने यहाँ पे इसकी r हमारा फिक्स रहेगा, सिर्फ c चेंज होगा। जब c चेंज होगा तो जैसे यहाँ पे देखिए ना, 1 फिक्स हो गया और सिर्फ j चल रहा है तो ऑटोमेटिकली कॉलम बाई चल रहा है ना, ये r तो फिक्स है हर किसी के लिए। उसी तरह से r यहाँ हमारा फिक्स रहेगा, कब? जब तक कि j इंक्रीज नहीं हो, i इंक्रीज नहीं हो रहा। जैसे i इंक्रीज होगा तब जाके r इंक्रीज होगा। मैं एक बता एक मैं डेमो देता हूँ, दिल्ली है ना, चले स्टॉप करता हूँ यहाँ पे और मैं यहाँ से डिबग करता हूँ, डिबग यहाँ पे जाता हूँ दिल्ली। अब मैं यहाँ पे एफर्ट यहाँ पे कोड पे जाता हूँ, नहीं हो रहा, इसको आप लोग अप्लाई करके देखिए समझ में आएगा। सिंपल है, कोई लॉकर साइंस नहीं है, आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। सिंपल तो वही है रो एंड कॉलम चलाने के लिए। आपको याद होगा मैंने आपको मल्टी नेस्टेड इफ पढ़ाया था, आपने नेस्टेड इफ को सही तरीके से नहीं पढ़ा, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, जिस कारण से चीज आपको नहीं समझ में आ रहा है। वरना इसलिए मैंने आपको नेस्टेड इफ पढ़ाया था ताकि अभी आपको समझ में आए। तो अगर आप नेस्टेड इफ की रिकॉर्डिंग को दोबारा से देख लें तो ये आपको समझ में आ जाएगा, समझ गए? अब इसमें क्या करना है, देखिए इसमें दो चीजें करनी है। जैसे कि अभी तक क्या है कि मैं यहाँ पे शो आप लोगों को करना है कि मैं यहाँ पे पूजा लिखता हूँ या मैंने जो भी सिटी लिखता हूँ, शो पे क्लिक करता हूँ तो डेटा मेरा शो हो जा रहा है। मैं चाहता हूँ मैं टाइप कर दू, टाइप करते जाऊं यहाँ दिखता जाए, मुझे शो पे क्लिक करने की जरूरत नहीं है, पहले चीज। और दूसरी चीज जैसे कि मैंने यहाँ पे डिजिटल लिख दिया, शो कर दिया, जब मैं इस पे जीजीएन लिखा, शो पे क्लिक किया, तो जो डेटा आ रहा है ना सर, जो डेटा यहाँ पे आएगा हो क्या रहा है भाई, जब रीसेट कर रहा हूं तो फिर बाबा डिबग पे कुछ चल जा रहा है। ये स्टेप इनफो पे ही जा रहा है।
अब यहाँ पे जो लिस्ट आएगा ना उस पर जैसे हम डबल क्लिक करेंगे तो जो रिकॉर्ड होगा उसको एक अलग लिस्ट बॉक्स में खोलना है। तो आप लोगों को इसी तरह से एक और लिस्ट बॉक्स बनानी है, उसमें टाइपिंग करने से भी डेटा आ जाना चाहिए। ठीक है, पहला। एंड दूसरा कि जब मैं उस किसी एक लिस्ट किसी भी एक डेटा पे डबल क्लिक करूं तो डबल क्लिक करते ही हमारा क्या खुले, जैसे मैं इस पे हाँ भाई अब सही होगा। डिबगर ऑफ ही नहीं हो रहा है, डिबगर फाइल को क्लोज करके ओपन करना पड़ेगा। ये फाइल भेज रहा हूँ, आप लोग इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है? और कल हम आपको इसमें आगे बताएंगे, आगे की जो चीजें उस पर हम डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो लिस्ट बॉक्स मैंने आपके साथ खत्म कर दिया, अब अगली जो है मल्टी पेज एंड टैब के ऊपर डिस्कस करेंगे। जो प्रोजेक्ट था वो क्या था कि हम डबल क्लिक करें तो क्या होना चाहिए? डबल क्लिक करें तो एक अलग यूजुअल फॉर्म में उसकी रिकॉर्ड आनी चाहिए। जैसे कि नहीं हुआ कि मैंने अपना सिटी का नाम लिखा तो मुझे रिकॉर्ड्स आ गए, फिर रिकॉर्ड्स पे डबल क्लिक करूंगा तो एक और यूजुअल फॉर्म आएगा, उस पे उसकी पूरी डिटेल्स होगी जहां मैं चेंज कर सकता हूँ। ठीक है, ये फाइल मैं आप लोगों को भेज देता सर, हूँ, ये रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए, बच्ची को रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिएगा, प्रोजेक्ट कर पाएंगे वरना तो। रिकॉर्डिंग कैसे कन्वर्ट होती है मैं रख देता हूँ। सर आपने स्क्रीन भी रिकॉर्ड की होती है वो वाली अपलोड कर दिया करें। स्क्रीन रिकॉर्ड? नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड अब नहीं होता है, स्क्रीन रिकॉर्ड हमेशा नहीं, स्क्रीन रिकॉर्ड है ये दोनों रिकॉर्ड एक साथ नहीं चलती है सर। एक साथ चलाने पे क्या होता है, एक पे आवाज नहीं आती है, कन्वर्ट हो जाती है, कोई दिक्कत नहीं। इसकी इसकी कोई क्या बोलते क्वालिटी ठीक होती है, इसका साउंड भी अच्छा होता है। सर एक्सेल में थोड़ा सा हेल्प चाहिए था। हेलो सर, हेलो, एक एक्सेल में एक फॉर्मूले के लिए हेल्प चाहिए था। क्या फॉर्मूला है? फॉर्मूला तो है एक्चुअली, वो रटा रटा है, वो समझ में नहीं आता उसका लॉजिक। उसमें है यूं कि सर मेरे पास बहुत सा एक लिस्ट है जिसमें कि डुप्लीकेट ही है, और उसको फॉर्मूले के थ्रू किसी एक सीट में यूनिक वैल्यू लाना है, जैसे पाइवट के थ्रू लाते हैं या रिमूव डुप्लीकेट करते हैं। उसके लिए एरे इस्तेमाल करना होगा सर। एरे का जो बुक भेजा है ना सर, उस बुक में जाइएगा, मैजिक परफॉर्मेंस विद एरे, उसमें एक फॉर्मूला दिया हुआ है। तो यूनिक सर वैल्यू एरे का आएगा। कौन सा फॉर्मूला? ये बुक एक है ना आपके पास, जो फॉर्मूला 2010 फॉर्मूले वाली जो ड्राइव में डाली थी, शायद आप लोगों ने डाउनलोड किया होगा, तो नहीं किया होगा तो मेरे पास है बहुत। हाँ, इसी के एरे वाले चैप्टर में जाइएगा तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो फाइल मैंने मेल कर दिया है, कल मिलते हैं। ओके, बाय, गुड नाइट। कर दीजिएगा, केयर अल्लाह।